Hello students, good morning, how are you all? All are fine, okay, very good, I am also fine, and is your Nancy ma'am in this class ke saath. To bachcho, aaj hum log kuch new padhenge, jo aapki book mein nahi hai. मैं हमेशा आपको फोनोड्रिल की बुक बोलती हूँ, ये रहा आपकी फोनोड्रिल की बुक और ये रहा पेज नंबर. बट बच्चों आज आपके ही बुक में नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है, ये भी आपके एग्जाम में आएंगे. ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे राइट प्लूरल. इसका मतलब होता है कि बच्चों जैसे कि वन आपका क्या है, मान लीजिए एक फिंगर है, ठीक है, और ये कितने फिंगर है, फाइव. तो क्या हो गए, वन यानी कि एक, फाइव यानी कि मैनी, यानी कि बहुत ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल मैं देती हूं, ये क्या है, दिस इज वन चौक, एक चौक है ना, और ये देखिए ये कितने हैं, काउंट इट, वन टू थ्री एंड फोर, आई हैव फोर चॉक्स, है ना. तो यानी कि आज हमको पढ़ना है प्लूरल, यानी कि एक और अनेक, यानी कि बहुत ज्यादा. तो उसको लिखते कैसे है बच्चे, जैसे कि आपने बोला कि एक चौक है, तो सिर्फ आपने बोला चौक, ठीक है, और इतने सारे एग्जाम्पल मैं दे दूं तो आप कहोगे चौक, ठीक है. जस्ट लाइक मैं आपको दे दूं एक बुक, ठीक, मैं अदर अनदर एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूं, ये रहा मेरे पास एक बुक है, ठीक. अब बताओ मेरे पास कितनी बुक है, हाउ मेनी बुक्स, यस टू बुक्स, इट मीन्स मोर देन वन बुक, ठीक है. एक से ज्यादा हो गया, अगर मोर देन वन है यानी कि एक से ज्यादा है, तो आप उसमें एस लगाएंगे, यानी कि वो प्लूरल है, ठीक है, बहुत है, अनेक है, ठीक है, तो उसमें एस लगाना है. तो ये हो गया आपका बुक, और ये हो गया आपकी बुक्स, ठीक है, समझ में आया बच्चों. अगर मान लीजिए कि जैसे ये एक कॉपी है, तो सिर्फ आप बोल सकते हैं कॉपी, लेकिन और बहुत सारी अगर मैं कॉपी लेकर के आती हूं, तो आप बोल सकते हैं कॉपीज, ठीक है. एक एग्जांपल और मैं आपको देती हूं, मैं क्वेश्चन बोलती हूं, आप आंसर बोलिएगा, ठीक है. मैंने बोला पेन, तो आप क्या बोलोगे, यस टेल मी, गिव द आंसर, पेन, देन पेन्स, ओके. अनदर एग्जाम्पल इज बॉय, ठीक, बॉय, देन क्या होगा, ऐसा लगाइए बॉयज, क्या हो जाएगा बच्चों, बॉयज, ठीक है. बस आपको कुछ नहीं करना है, एस लगाना है, कुछ अभी आप बस थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है. एस लगाने वाला बहुत सारे प्लूरल में है, तो धीरे धीरे जब आप क्लास ऊपर जाएंगे, क्लास फर्स्ट में जाएंगे, तो आपको रूल वाइज और भी कैसे प्लूरल बनता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल आपको बताया जाएगा, ठीक है. इसमें मैंने आपको प्लूरल में कुछ डिफरेंट भी दिए हैं, तो कहाँ डिफरेंट है ये हम लोग पढ़ेंगे. तो चलिए लेट नहीं करते हैं, हम लोग बुक में पढ़ना शुरू करते हैं, ब्लैक बोर्ड में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है. तो बच्चों मैंने लिख रखा है राइट प्लूरल, ठीक है. तो पहले हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, उसके बाद ही हम लोग आगे लिखेंगे, ठीक है. आज की डेट आपको लगानी है सी डब्ल्यू 24/1/22, ठीक है ना बच्चों. तो मैं आपको पिक भी दिखाऊंगी और साथ में क्या करूंगी, पिक दिखाने के बाद मैं पढ़ा भी दूंगी, ठीक है. तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, और पिक्चर देख करके भी आप समझ जाओगे कि किस पिक्चर को, यानी कि कौन से नाम का कौन सा पिक्चर है, ठीक है. अब बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट नंबर में सी ए टी कैट, क्या बच्चों सी ए टी कैट, कैट इट मीन्स क्या होता है, आप खुद ही पिक्चर में देखो बगल में कैट बच्चों, तो ये क्या है बच्चों आपका कैट, यानी कि एक रेड कलर का सिंगल कैट, अकेला है कैट, यस बच्चों. तो ये होगी आपका कैट की फोटो. अब इसका प्लूरल क्या होगा, सी ए टी, यहाँ पर भी लिखना है सी ए टी, बस आपको एड क्या करना है, एस, क्या करना है बच्चों, एस लगा देनी है इस कैट के बगल में लास्ट में, ठीक है. तो कैट से क्या हो जाता है बच्चों, कैट, क्या हो जाता है बच्चों, कैट, इट मीन्स मोर देन वन कैट, एक से ज्यादा कैट है. तो अब मैं यहाँ चित्र दिखा रही हूँ, यानी कि मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, आप बताइए हाउ मेनी कैट, काउंट इट, नाउ काउंट इट बच्चों, दिस इज कैट. तो यहाँ पर बच्चों कितनी कैट्स है आपकी, टोटल 5
ठीक है, तो आप मुझे काउंट करके आपको मुझको लिख करके बतानी है कि कितने कैप्स हैं। ठीक है, तो आपके 6 है ना कैप्स। ओके, जो नंबर है नेक्स्ट वन बच्चों, BOOK। क्या बच्चों? BOOK। बुक का मतलब होता है किताब। ठीक, तो बुक की फोटो देख लीजिए आप, सिंगल बुक, एक अकेला बुक। ठीक, तो ये है बच्चों आपका बुक। ओके, और नेक्स्ट वर्ड इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? BOOKS, एड ऑनली एस। ओके, दिस इज कॉल्ड बुक्स। आप क्या बोल सकते हैं इसको? बुक्स, इट मीन्स मोर देन वन बुक। ठीक है, तो बुक्स की फोटो देख लीजिए आप, कितनी बुक्स हैं, काउंटेड एक लाइन से लगी हुई है यहाँ पर बुक्स की फोटो। ठीक है, सब आपको काउंट करके नीचे भी मुझे मैसेज करके बताना है कि कितनी बुक है, कितने बुक्स हैं। ठीक है, तो मैं बता दे रही हूँ कि ये 6 बुक है। ठीक है, 6 बुक्स है। ओके, तो वैसे आपको भी काउंट करके बताना है। थर्ड नंबर है बच्चों, ये क्या है बच्चों? BALL। क्या बच्चों? BALL, बॉल में, इट मीन गेम, एक सिंगल गेम। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको ग्रीन कलर की एक बॉल आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये है बच्चों आपकी बॉल। अब बॉल का नंबर देखते हैं, प्लूरल क्या होता है? BALLS, बॉल। बॉल मीन मोर देन वन बॉल, एक से ज्यादा बॉल। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कैसे यहाँ पर एक से ज्यादा बॉल है। ठीक है, एक से दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, बस एक से ज्यादा होना चाहिए। तो बॉल की पिक्चर आप देख लीजिए बच्चों, देख लिया। तो यानी कि एक से जो भी ज्यादा होगा उसको कहते हैं एस लगा करके, उसको प्लूरल बनाया जाता है बॉल। ओके, नेक्स्ट वन है बच्चों यहाँ पर 4 नंबर में है डॉग। क्या है बच्चों? डॉग, DOG, डॉग। तो डॉग इट मीन्स होता है कुत्ता, डॉग इट मीन्स कुत्ता। तो सिंगल आप कुत्ता देख सकते हो बच्चे यहाँ पे कितना अच्छे से बैठा है ना, कितना क्यूट है ना, जा रहा है। तो इस इलाके ये क्या हो गया? ओनली वन डॉग। ठीक, अब डॉग का आप बताइए क्या होगा बच्चों? डॉग, DOGS, डॉग, इट मीन्स ओनली यू एंड एस। ओके, DOGS, डॉग, तो इट मीन्स मोर देन वन, एक से ज्यादा डॉग है, एक से ज्यादा कुत्ता है। तो यहाँ पर देखिए लाइन से लग रहा डॉग, यानी कि डॉग बैठे हुए हैं, कितने हैं टोटल? काउंट कीजिए बच्चों डॉग कितने हैं। तो मुझे आंसर में लिखना है अच्छी तरह से, 5 है तो 5 डॉग, 4 है तो 4 बुक्स, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, तो डॉग कितने हैं बच्चों? 5 या 4, तो आपको बताना है। ठीक है, 5 नंबर में बच्चों MAN, मैन। क्या है? MAN, मैन। अब यहाँ पर चेंज है बच्चों, इसीलिए मैं दोनों का कलर एक ही साथ लिख रही हूँ। मैन का मैन नहीं होता, मैन का मैन नहीं होता, मैन का होता है मैन। क्या होता है बच्चों? मैन, MAN, मैन। तो पहले मैन का पिक्चर देखिए कि मैन का मतलब होता क्या है। मैन का मतलब होता है बच्चों आदमी। क्या होता है? आदमी, जो बॉय यानी कि लड़का यानी कि, ठीक है, तो जो आदमी यानी कि बच्चे थोड़े से बड़े। ओके, तो ये बच्चे मैन की फोटो, आदमी की फोटो हिंदी में, पुरुष जिसको बोलते हैं लड़का। तो ये बच्चों एक सिंगल स्माइली फेस मैन का फोटो। ठीक है, अब है बच्चों मैन, MAN, मैन। याद रहे बच्चों यहाँ मैन का मैन मत कीजिएगा, यहाँ पर मैन का MEN करना है, बीच में जो A लिखा है यहाँ पर चेंज करके आपको यहाँ पर E बनाना है। ठीक है, याद रखना है ये, कहीं गलत ना हो जाए आपका। तो MEN, मैन। तो मैन की फोटो देख लीजिए, मोर देन वन मैन। यहाँ पे हाउ मेनी, क्या है हाउ मेनी मैन? यू नो गॉट इट? यस बच्चों 5 है ना। ओके, तो मैन की फोटो ये भी स्माइल फेस वाले मैन है ना। तो बच्चों आपको इस तरह से मैन और मैन समझ में आ गया। यहाँ पे प्लीज बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में मैन का मैन मत लिखिएगा, मैन का मेन ही लिखिएगा। पिक्चर आपने देख लिया तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ओके, नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं बच्चों OS, ऑफ। ऑफ मीन्स होता है बैल। OS, ऑफ मीन्स क्या होता है बच्चों? बैल, जो आपकी फील्ड में क्या करता है? हल जोतता है। ठीक है,
जैसे आप खेत में खेती करते हैं ना, काम करते हैं किसान लोग, तो वो क्या करते हैं, उनको बीज डालने के लिए जो सीड डाला जाता है सॉइल में, मतलब सॉइल को कैसे करेंगे वो लोग, तो बैल क्या करता है उसको आगे जाकर के हल चलाता रहता है। ठीक है, तो उसमें जस्ट लाइक अ काउ टाइप, तो ये क्या है ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल। यहाँ पर एक ब्राउन कलर की ऑक्स देख लो बच्चों, उनके सींग क्या है बहुत ही शार्प है, हॉर्न जो जिसको बोलते हैं हॉर्न। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी ऑक्स की पिक देख लिया आपने। ओके, अब ऑक्स का भी ऑक्सिस नहीं करना है, एस नहीं छोड़ना, यहाँ पर फिर चेंज है बच्चों, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है पिंक कलर से ही लिखा है दोनों को एक साथ। ठीक, ऑक्स का बच्चों होता है ऑक्सन, ई एन आपको ऐड करना पड़ेगा, ऑक्स का क्या होता है ऑक्सन, तो ऑक्सन में यहाँ पर कितना है आपका पहले पिक्चर देखो, यस, तो ये बच्चों आपका ऑक्सन यानी कि मोर देन वन, यहाँ पर आपको टू दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, तो यहाँ पर दो है ऑक्स यानी कि दो ऑक्स, टू ऑक्स नहीं बोल करके क्या है ऑक्सन यानी कि मोर देन वन, ये प्लूरल है। ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा, तो आपने पिक्चर देख लिया बच्चों। ओके, तो ऑक्स का क्या होगा ऑक्सन, तो यहाँ पर भी आप मिस्टेक मत कीजिएगा, मैंने जानबूझ के यहाँ पर दिया है थोड़ी सी अलग, नहीं तो आप क्या करोगे प्लूरल देखोगे सब में एक्स लगा दोगे, तो ये तो आपके लिए इजी है नंबर लेना, लेकिन आपको पढ़ना भी तो है तो जाना भी है, इसीलिए यहाँ पर थोड़े से चेंजेस हैं। ठीक है, ताकि ये भी देखना है कि आप वाकई पढ़ते हो या नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्स का क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन, मैन का क्या होगा बच्चों मैन। ठीक है, बाकी डिटेल आपको और भी बहुत सारे प्लूरल है वो आप क्लास फर्स्ट से आप पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, ओके, लेट नहीं करते हैं, नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं पियर, पीई ए आर पियर, पियर इट मीन्स होता है बच्चों नाशपाती, पियर इट मीन्स क्या होता है नाशपाती, पियर इट मीन्स नाशपाती, और पियर की फोटो देख लो कैसा होता है, ग्रीन कलर की वन पियर है, क्या है एक पियर यानी कि एक पियर, तो पियर की पिक्चर देख लिए जो नहीं जानते हैं नाशपाती या फिर पियर, तो आप पिक्चर देख करके आइडेंटिफाई करो समझो बताओ कि क्या है। ठीक है, दिस इज नॉट अ गुआवा, ये अमरूद नहीं है, ये बच्चों नाशपाती है। ठीक है, ओके, अब है पियर का क्या होगा, अगेन पियर ओनली यू कैन एड ओनली एस, लास्ट में आपको क्या करना है वर्ड के लास्ट में आपको ओनली यू कैन एड ओनली एस, दिस इज पियर पीई ए आर एस पियर, पियर इट मीन्स नाशपाती, बहुत ज्यादा नाशपाती। ठीक है, मोर देन वन नाशपाती, एक से ज्यादा नाशपाती है, तो आप यहाँ खुद काउंट करके बताओ यहाँ पर पियर्स कितनी हैं, यानी कि हाउ मेनी पियर्स। ठीक है, कितने सारे नाशपाती हैं, तो मुझे नाम के साथ स्पेलिंग तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे बोर्ड में, तो आप पिक्चर देखिए और काउंट करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, तो ये हो गया पियर का पियर, ओनली यू कैन ऐड एस, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है, पियर नाशपाती, पियर मतलब बहुत सारे नाशपाती। ठीक, लास्ट वन बच्चों एट का हो गया एच ई एन हैन, लास्ट वन क्या है एच ई एन हैन, हैन इट मीन्स मुर्गी, हैन इट मीन्स मुर्गी, तो मुर्गी की फोटो आप देख लो एक व्हाइट कलर की है, मुर्गी किस कलर की है व्हाइट कलर की, तो एक हैन देख लो। ओके, अब हैन का क्या होता है एच ई एन एस, गेन यू एड दिस एस। ठीक है, तो हैन का क्या हो जाएगा बच्चों हैन, तो एच ई एन एस हैं, तो हैंस की पिक्चर देखिए आप कितने सारे हैंस हैं, काउंटिंग वन टू थ्री एंड फोर, तो फोर हैंस केवल है आपको। ठीक है ना, तो बच्चों आपको तो मैं लास्ट बता दी हूँ फोर हैंस है, तो आपको उसी तरह से क्या करना है पढ़ना है अच्छी तरह से। ठीक है ना बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार मैं फिर से बता दू, कैप कैप, मेरे पीछे पीछे बोलिए कैप कैप, बुक बुक क्या है बुक बुक, बॉल बॉल रिपीट बॉल बॉल, डॉग डॉग वंस अगेन डॉग डॉग, मैन 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 मैन, ऑक्स ऑक्सन ऑक्स ऑक्सन,
पियर पियर्स, पियर पियर्स, हैन हैंड्स, हैन हैंड्स। तो बच्चों आपने देख लिया प्लूरल राइट प्लूरल, तो आपके एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आ सकते हैं, आ सकते हैं नहीं आएंगे ही। तो आपको यही वन से लेकर के एक तक बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, लिख लिख कर और मुंह से बोल बोल करके भी, ठीक है बच्चों। तो आपका कभी मिस्टेक होंगे ही नहीं। तो चलिए बच्चों हम लोग लेट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे बुक इट मीन्स कॉपी वर्क करेंगे, ठीक है। तो एक बात और बच्चों है, इसी का आपको होमवर्क भी करना है, आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपको लर्न भी होगा, ठीक है। तो ये आ गया है आपका होमवर्क, आज की डेट लगानी है 2/24/1 and 2/22। होमवर्क क्या है SAME, ठीक है। तो होमवर्क करना मत भूलिएगा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग लेट नहीं करेंगे, जाइए जल्दी से अपनी पेंसिल इरेजर शॉर्पनर और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी कॉपी लेकर के आइए और मेरे सामने बैठ जाइए, ताकि हम लोग कैसे कॉपी में लिखा जाता है हम लोग ये लिख सके, ठीक है ना बच्चों। हेलो बच्चों, आई होप कि आप अपनी कॉपी निकाल लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं राइट प्लूरल। तो एट फर्स्ट यू गिव द डेट 2/24/1/22 राइट प्लूरल, ओके। तो इसमें क्या करना है बच्चों, प्लूरल का इट मीन्स होता है मैनी, जैसे आपको एस लगाना है, जैसे कि अभी आपने कुछ पिक्चर्स देखे हैं, तो सी ए पी कैप इट मीन्स होता है टोपी, और उसमें क्या करना है बस आपको एस लगा देनी है उसमें, यानी कि कैप का क्या हो जाता है बच्चों कैप्स, यानी कि लॉट्स ऑफ कैप्स, ठीक है। बी डबल ओ के बुक, बुक का क्या हो जाएगा एस लगाएंगे तो बुक्स, इट मीन्स ये हो गया आपका वन बुक और ये हो गया मैनी बुक्स, ठीक है, यानी कि क्या है लॉट्स ऑफ बुक्स, ठीक है, मोर देन वन बुक। ये हो गया बच्चों बी ए डबल एल बॉल, बॉल इट मीन्स गेंद, और बॉल का क्या हो जाएगा एस लगाना है तो बॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो बॉल का क्या हो गया बॉल्स, यानी कि वन और मैनी। ये हो गया बच्चों डॉग्स, सॉरी यहाँ पर आपका मिस्टेक हो गया, डी ओ जी डॉग, यानी कि वन डॉग, एक डॉग, ठीक है। तो डॉग का क्या हो जाएगा डॉग्स, यानी कि डी ओ जी एस डॉग्स, बस एस आपको लगा देनी है, यानी कि मोर देन वन डॉग, यानी कि मैनी। अब यहाँ क्या है एम ए एन मैन, मैन इट मीन्स आदमी, तो बच्चों यहाँ पर आपको एस नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पर कुछ चेंज है, क्या है चेंजेस चलिए हम लोग देखते हैं। मैन का होता है बच्चों मैन, एम ई एन मैन, ठीक। सिक्स नंबर है ओ एक्स ऑक्स, ऑक्स इट मीन्स बैल, और ऑक्स का भी यहाँ पे चेंज है बच्चों, ठीक है। ऑक्स में भी आपको यहाँ पर एस नहीं लगाना है, बल्कि आपको क्या लगाना है, मिल गया, आपको लगाना है ओ एक्स ई एन, ठीक है, ऑक्सन, क्या बोलते हैं इसको ऑक्सन, ठीक है, ओ एक्स ई एन। तो यहाँ पर भी बच्चों एक्स मत लगाइएगा। ये है बच्चों आपका पियर, थोड़ी सी मैं अपने पिक ऊपर कर दूँ, ये है बच्चों पियर, और पियर का क्या हो जाता है पियर्स, ठीक है, पी ई ए आर एस। तो आपका ऑक्स और मैन में बच्चों है डिफरेंट, बट बाकी क्या है आपको बस एस लगानी है। ये है बच्चों हैन, और हैन का क्या हो जाएगा हैंस, एच ई एन एस हैंस। तो जैसा कि आपको अभी मैंने पिक्चर्स के द्वारा आपको समझाया था, जस्ट लाइक आपको सेम वैसे ही आपको कॉपी में लिखना है, बस चेंज कहाँ है मैन और ऑक्स में। तो ये ध्यान देना है बच्चों आपको, ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें, ठीक है। ऐसे ही नीट एंड क्लीन आपको अपनी कॉपी में कर्सिव लेटर में ही लिखना है। बच्चों आपने कॉपी में लिख लिया, देख लिया कैसे फोर लाइन का यूज होता है, कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल मेरी तरह ही नीट एंड क्लीन आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। कितना टाइम, हाउ मेनी टाइम, टू टाइम्स, ओके। और रीड तो करना है, कम से कम लर्न करना है आपको मोर देन 10 टाइम्स, ओके। तो आई होप कि बच्चों आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया है, और मेरे ख्याल से लगभग आपको लर्न भी हो गया है, क्योंकि आप पिक्चर भी तो साथ में देख रहे थे, ओके बच्चों, ठीक है। आज के लिए फिलहाल बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपकी अपनी नैन्सी मैम के साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू चैप्टर लेकर के, ओके बच्चों। तब तक क्या करना है, घर में रहना है और हमेशा स्माइल करना है। बाय बाय एंड टेक केयर।